एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। धूप से बचने के लिए माँ ने 3 साल की बेटी को पार्किंग में सुलाया और गाड़ी ने कुचलकर उस मासूम की मृत्यु कर दी। उसकी माँ के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार है। इस खबर को सुनने के लिए अंत तक बने रहें। जी हाँ, मैं LBNES डिजिटल टीवी से। एक माँ ने अपनी बच्ची को धूप से बचाने के लिए उसको छांव में रखा, लेकिन उसकी माँ को क्या पता था कि उसकी बेटी के साथ इतना दर्दनाक हादसा हो जाएगा कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। खबर ये है कि हैदराबाद के एक कॉलोनी में माँ मजदूर का काम करने के लिए गई थी। उस दौरान उसने अपनी 3 साल की बेटी को पार्किंग धूप से बचने के लिए पार्किंग में सुला दिया। उसी दौरान एक कार ने मासूम सी बच्ची को कुचलकर उसकी मृत्यु कर दी। ये एक बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली बात है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद में ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं, लेकिन ये एक बहुत ही दुखद की बात है कि जो तभी कृष्णा नाम की एक व्यक्ति ने उस मासूम सी 3 साल की बच्ची को गाड़ी से कुचलकर उसकी मृत्यु कर दी। रात के दौरान कृष्णा ने कहा कि उसे पार्किंग में सोई हुई बच्ची नजर नहीं आई क्योंकि वह डकी हुई थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज की, मामले की जांच शुरू कर दी है। उसकी मां पर क्या बीत रही होगी जिससे उसकी 3 साल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस व्यक्ति का बयान लिया गया है जिसने ये जो 3 साल की बच्ची के साथ जो जे दर्दनाक हादसा किया है। और उस व्यक्ति कृष्णा का ये भी कहना है कि उसे पार्किंग में वो सोई हुई नन्ही बच्ची जो 3 साल की बच्ची है उसे, ये एक बहुत ही दुखद की बात है कि उसकी 3 साल की जो बच्ची है वो छिन गई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम शांति अवश्य लिखें। तमाम अपडेटों के साथ बने रहें NES डिजिटल टीवी।